पांडुरंग महादेव बापट भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। वे सेनापति बापट के नाम से अधिक मशहूर हैं। बापट को भक्ति, ज्ञान व सेवा की निर्मल गायत्री की संज्ञा देते थे। पांडुरंग बापट का जन्म 12 नवंबर 1880 को महादेव व गंगाबाई के घर पारनेर महाराष्ट्र में हुआ था। बापट ने पारनेर में प्राथमिक शिक्षा के बाद 12 वर्ष की उम्र में न्यू इंग्लैंड हाईस्कूल पुणे में शिक्षा ग्रहण की। पुणे में फैले प्लेग के कारण बापट को पारनेर वापस लौटना पड़ा। गृह से जीवन में उनका प्रवेश 18 वर्ष की आयु में हुआ। बम्बई पहुंचकर स्कूल में उन्होंने टेम्प्रेरी टीचिंग का कार्य प्रारंभ किया। सौभाग्य से बापट को मंगलदास नाथूभाई की स्कॉलरशिप मिल गई। अब बापट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने स्कॉटलैंड पहुंच गए। यहाँ के क्वींस राइफल क्लब में उन्होंने निशानेबाजी सीखी। इंडिया हाउस में रहने के दौरान बापट विनायक दामोदर सावरकर के संपर्क में आए। अपनी नॉलेज का इस्तेमाल उन्होंने अपने देश की सेवा व लेखन में किया। शिव बंदरगाह पर उतरने के बाद फुले भुसावल होते हुए कलकत्ता में हेमचंद दास के घर माणिक पल्ला में पहुंचे। यहां कई क्रांतिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी बॉम्ब मेकिंग केस में 2 महीने बाद गिरफ्तार हो गया, जो खबरी बन गया। बापट की भी तलाश प्रारंभ हो गई। 4.5 वर्ष बाद इंदौर में पुलिस के हाथों बापट की गिरफ्तारी हुई। रिहाई के बाद रेल पटरी पर गाड़ी रोकने के लिए पत्थर बिछाकर हाथ में तलवार, कमर में हथियार और दूसरे हाथ में पिस्तौल लेकर बापट धोती की कांख बांधे अपने 5 साथियों के साथ खड़े थे। इस रेल रोको आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद 7 वर्ष तक सिंह प्रांत के हैदराबाद जेल में बापट अकेले कैद रहे। उलसी आंदोलन से ही बापट को सेनापति का खिताब मिला। 7 वर्ष के काले पानी तथा 3 वर्ष के दूसरे कारावास में रहने की दूसरी सजा मिली। जेल में रहने के ही दौरान बापट के माता पिता की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने पर बापट को महाराष्ट्र शाखा का अध्यक्ष बनाया गया। भाषण दिए गए। कोल्हापुर रियासत में धारा 144 लागू थी। वहां भाषण देने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर कल्याण लाकर छोड़ दिया गया। उन्होंने फिर कोल्हापुर में सभा कर विचार रखे। 5 अप्रैल 1940 को मुंबई स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर कल्याण छोड़ा गया तथा मुंबई प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नज़रबंदगी के बावजूद उन्होंने चौपाटी में पुलिस कमिश्नर स्मिथ की मौजूदगी में उर्दू में भाषण दिया। इस अवसर पर अंग्रेज़ों का पुतला तथा यूनियन जैक भी जलाया गया। 1946 में अकाल पड़ा। इस अवसर पर उन्होंने मजदूरों का साथ दिया तथा सेनापति बापट ने सहायता निधि जमा करके मजदूरों की मदद की। मातृभूमि की सेवा करने की जो शपथ 1902 में छात्र जीवन में ली थी उसका पालन किया। देश के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देने वाले इस सेनापति का अधिकांश समय जेल में ही बीता। आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को बापट ने पुणे शहर में तिरंगा फहराने का गौरव हासिल किया। सेनापति बापट का देहांत 28 नवंबर 1967 को हुआ था। पुणे मुंबई में सेनापति बापट के सम्मान में एक प्रसिद्ध सड़क का नामकरण किया गया है। हमारे देश के ऐसे वीर को हमारा सलाम।